एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में ट्रैफिक पुलिस को नए तरह का उपकरण का वितरण किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि गोरखपुर यातायात पुलिस को नया उपकरण दिया गया है, जिसमें उनके ड्रेस में सुधार किया गया है, उनके कैप की जगह हेलमेट लागू किया गया है, इसके अलावा बरसात से बचने के लिए रेनकोट दिया गया है और रिफ्लेक्टेड जैकेट बेल्ट दी गई है और एक टॉर्च दिया गया है जिससे वाहनों को सिग्नल दे सकें। यदि लाइट खराब है तो उसमें यह बहुत काम आएगा, जिसमें से 3 तरह की लाइट निकलती है। यह सभी नए उपकरण जवानों को उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि शराब की चेकिंग करने के लिए अल्कोहल मीटर दिया गया है, जिससे यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है तो उसको चेक किया जा सके, और एक स्पीड गन दिया गया है जिससे चलती वाहन का स्पीड नापा जा सकता है, वाहन कितना स्पीड में चल रहा है और वाहन का चालान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की रक्षा के लिए बॉडी वार्न कैमरा दिया गया है, जिससे सभी की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाती हैं, जिससे सच का पता चल सके। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस हाईटेक हो रही है, इसलिए सभी नागरिक ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। किसी भी क्षेत्र के ध्वनि जो है अलग अलग होती है, सभी लोग ध्यान दें। हेलो, इसको मैंने बोल दिया, ये पूरा रिकॉर्ड हो गया। अब रन हो गए जो हम बोले थे, अब वो रुक गया। नेक्स्ट इसमें यस बटन दबाएंगे, ये पूरी रीडिंग जितनी बार हम बोले थे उतनी की पूरी रीडिंग आ गई। उसके जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो भी शराब का नशा का सेवन करके गाड़ी चलाते हैं उनकी चेकिंग के लिए है, और ये चेकिंग में एमपी एक्ट में दिया हुआ है कि 30% से ज्यादा अगर अल्कोहल पाया जाता है तो उनकी गाड़ी चलान की कार्रवाई हो जाएगी, और अगर कोई बियर भी लिया है वो भी 30% से ऊपर दिखाई देता है। अगर मीटर का प्रिंट आ रहा है, ये जो प्रिंट निकल रहा है डेसिबल मीटर का निकल रहा है, जितनी रीडिंग हम लोग जितनी बार पास किए थे, जो भी आदमी अगर अल्कोहल का सेवन किया है इसमें उसको भूख लगाया जाएगा। इसमें 0% आ गया, अगर किसी ने अगर लिया है तो उतना परसेंट आ जाएगा। ये पिन लगी हुई है जी, इसमें रेड ग्रीन ब्लिंकर्स स्टॉप। मैंने दो बार दबाया तो ये ग्रीन होगा, एक बार दबाया तो रेड हो गया। हमारी लाइन खत्म हो रही है, ये उसके लिए होता है। ये भी अभी नया सिस्टम आया है, इसमें मुख्य रूप से बात ये है कि अगर आप इसमें कोई बात अगर रिकॉर्ड करके डाल देंगे तो वो बार बार लगातार वही बजते रहेगा। लगाएं और मोबाइल फोन, ईयरफोन और ब्लूटूथ का इस्तेमाल। पोस्टर हम विद्यालयों में या पब्लिक प्लेस में लगाने के लिए ये पोस्टर छपा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, गोरखपुर की यातायात पुलिस के लिए हमने कुछ नए उपकरण दिलाए हैं, जैसे कि उनकी यूनिफॉर्म में व्यापक सुधार किया है, उनके लिए कैप की जगह हेलमेट एक लागू किया गया है, और उनके लिए बरसात से बचने के लिए रेनकोट दिया गया है, गम्बूट्स दिए गए हैं, रिफ्लेक्टिव जैकेट दी गई है, रिफ्लेक्टिव बेल्ट दी गई है, इसके अलावा बैटन टॉर्च उनके लिए दी गई है, जिससे रात के समय वो व्हीकल्स के लिए और रोड पे चलने वाले रोड यूजर्स के लिए सिग्नल दे सकते हैं। अगर ट्रैफिक लाइट ख़राब है तो उस समय भी इनके लिए ये ट्रैफिक जो हमारा बैटन टॉर्च है वो इनके लिए बहुत हेल्प करेगी। उसमें 3 तरीके की फ्लोरोसेंट लाइट निकलती है, एक उसमें प्लेन टॉर्च के रूप में काम करती है, और रेड बार के रूप में काम करती है, और ग्रीन बार या ग्रीन सिग्नलिंग के रूप में काम करती है। तो ये नए उपकरण हमने सभी जवानों के लिए, उनको ड्यूटी करने में सुविधा हो, इसके लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक उपकरण जो हम लोग नॉर्मली जिनको अपने काम में यूज करते हैं, नॉर्मली भीड़ होती है तो लाउड एलर सबसे पहले यूज करते हैं, लाउड एलर के बाद हमारे पास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे पास अल्कोहल मीटर है। अल्कोहल मीटर के लिए अगर हम किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति से उसमें फूंकने के लिए कहेंगे ऑन करके तो उसकी रीडिंग आ जाती है बाकायदा उसमें लिख के, और उसका प्रिंट उसके लिए दिया जा सकता है, और उस आधार पे उसका चालान हो जाएगा शराब पीने के जुर्म में। और दूसरा हमारे पास स्पीड गन है,
स्पीड गन के माध्यम से हम किसी चलती हुई कार की, चलते हुए व्हीकल का उसका स्पीड हम नाप सकते हैं। जैसे ही हम उसकी कार की तरफ के लिए पॉइंट करके हम उसको ऐसे क्लिक करते हैं, तुरंत उसका फोटो उस मोमेंट में कितनी स्पीड है, टाइम वगैरह सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। गाड़ी का नंबर आ जाता है, टाइम आ जाता है, स्पीड आ जाती है और उसका प्रिंट तुरंत निकल के सामने आ जाता है। इस आधार पे ओवर स्पीडिंग वाली गाड़ियों का चालान किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरा है। बॉडी वॉर्न कैमरा हमारे सारे अधिकारी अपने उस पर लगाए रहते हैं। इससे दोनों की गतिविधि रिकॉर्ड होती है और कोई झूठ का कोई कॉलम, किसी को एलिजेशन का कोई कॉलम नहीं रहता है कि कोई जनता के व्यक्ति कहे कि हमारे साथ मिसबिहेव किया या पुलिस कर्मी कहे कि हमारे साथ मिसबिहेव किया जनता के व्यक्ति ने, तो दोनों की चीज़ें उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो ये कैमरे भी हमने लगा दिए हैं। इन कैमरों की क्षमता बढ़ाने के लिए हमने इनको डेली अपना चिप जो है वॉश आउट करने के लिए सबके लिए बता दिया है कि डेली अपने चिप के लिए वॉश आउट करना करें ताकि उसकी मेमोरी खाली रहे। इन सब उपकरणों का और इस के डिस्प्ले करने का मेन उद्देश्य ये है कि आपके माध्यम से हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो आपकी हर गतिविधि के लिए कैच कर रहे हैं। और मेरी सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि सब लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और गोरखपुर की बदलती हुई यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना सहयोग करें।